दोस्तों आप सभी का स्वागत है, दिस इज शीन हियर एंड यू आर वॉचिंग ओपिनियन शीन। गाइस आज हम सभी लोग रिव्यू करने जा रहे हैं आईफोन 13 का। एंड मैं बता दूं कि ये जो फ़ोन है वो मैंने कब परचेज किया था। तो गाइस ये अप्रॉक्सीमेटली फ़ोन मैंने 3 वीक्स बिफोर परचेज किया था एंड आज जाके जब 3 हफ्ते हो गए इसको यूज़ करते हुए तब मैं आपको बताऊँगी कि आखिर आपको ये फ़ोन 2023 में परचेज करना चाहिए या फिर आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। राइट, Do the first and foremost, just go and subscribe my channel. मेरी जो first video है वो बहुत सारे लोगों ने actually में देखी है and I'm so appreciating their love and care and support. मुझे बहुत पसंद आया, वो अभी भी comments करते हैं उस video पे। तो अगर आप मेरे channel पे visit कर रहे हैं तो please मेरे channel को subscribe ज़रूर करते हुए जाइए, साथ ही आप सभी का support भी मुझे देते हुए जाइए because it's so mandatory to me. चलिए शुरू करते हैं। फॉर वी टॉक अबाउट दी आईफोन 13, मैं आपको वही रिव्यू शेयर करूंगी जो मैंने इसको यूज करते वक्त अप्रोक्सीमेटली फील किया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इट्स लुक्स। देखिए आप आईफोन 13 के वर्जन में उतरते हैं, आपको मैं बता दूं कि इसका जो स्टेटस है वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके जो कैमराज है ना वो डायगनल हो जाते हैं बजाय स्ट्रेट होने के। आपने देखा होगा कि जितने भी आईफोन्स हैं 12 के अराउंड में, जो 12 से आते हैं आईफोन 12, वो सारे स्ट्रेट कैमरास रखते हैं लेकिन 13 से कैमरास डायगनल हो जाते हैं। एंड अगर आप प्रो वर्जन्स में जाएंगे जो कि आपको 14 में देखना है या फिर 13 के प्रो वर्जन में देखना है तो 3 कैमरास आ जाएंगे जो कि आपको ठीक फ्लैश लाइट के बगल में मिलते हैं। इसके साथ ही अगर जब आप इसके थोड़ा सा पीछे आएंगे बैक पर, देन यू विल जस्ट सी हियर कि आपको एक ग्लास टच मिलेगा। राइट, अब ये ग्लास टच आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं क्योंकि इस पर जो मेरी लाइट है वो चमचम आ रही है, टिमटिम आ रही है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक अ ग्लास फिनिश। यहाँ पे मुझे हेयरडो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी एंड उसके साथ ही अगर आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो वही आपको एक मिरर ग्लास इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि इट्स शाइनिंग। राइट, ये जो इसका एप्पल है इट्स शाइनिंग। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग फॉर मी जो कि ये जो कलर है इसमें और सारे कलर्स में, सारे मॉडल्स में ये सिमिलर चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसको टच देती है। उसके बाद हम लोग एजेस की बात करते हैं, तो जब आप इसके एजेस को यहाँ से देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी और काफ़ी ज़्यादा क्लासिक प्रीमियम टच देता है। ठीक है, ये एल्युमिनियम का ये जो फ्रेम है इसकी फ्रेमिंग काफ़ी ज़्यादा डायगनल है और वही सराउंडेड है राउंडेड फिगर्स से, जो कि आपको सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा आईफोन 12 मिनी में भी, आईफोन 12 में भी, और इसके साथ ही आपको 13 और 14 दोनों वर्जन्स में मिलेगा। राइट, साथ ही अगर आप इसके कलर की बात करें तो जो इसका कलर है वो है स्टार लाइट वाइट। ओके, नाउ मैं अब आपको बता दूं यहाँ पे कि आई वॉज अबाउट टू परचेज द पर्पल कलर जो कि इसका पर्पल वर्जन में था। राइट, बहुत ही अमेजिंग कलर था वो, बट द फैक्ट इज दैट कि वो जो कलर था दैट वॉज अवेलेबल, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो कलर उस टाइम पर सॉर्टेड नहीं हो पाया एंड वी वर गेटिंग लेट, तो मुझे ये जल्दी से लाना था एंड मैं उस टाइम पर ऐसी सिचुएशंस में नहीं थी कि मैं थोड़ा और डिले कर सकती थी। राइट, तो वो अवेलेबल था बट वो मिल नहीं पाया, दैट वॉज लक। लेकिन मुझे वाइट कलर भी बहुत ही क्लासिक एंड प्रीमियम वाइब्स देता है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। नाउ व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ दिस फोन देन यू विल जस्ट सी हियर अ डायनेमिक, ऊपर सबसे पहले तो आपको एक नॉच दिखेगी। ओके, ये सिमिलरली आपको 14 में भी मिलेगा। ओके, एंड 15 में भी ये अवेलेबल है। व्हेन यू कम हियर यू विल जस्ट सी कि ये कितना स्मूद है। राइट, ऐसा वाइड लुक है इस फ़ोन में कि आपको ये फ़ोन ज़्यादा चौड़ा दिखेगा एंड यही फ़ोन ऐसे ही स्क्रीन, ऐसे ही डिस्प्ले आपको सारे फ़ोन में मिलेगी आईफोन के। ओके, सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि जब आप इस फ़ोन को खोलते हैं तो इट्स सीम्स लाइट स्मूथ,
सो जब आप इसको स्मूथली ओपन करेंगे यू विल जस्ट फील इट वेरी स्मूथ. ओके इट इज वेरी स्मूथ. नाउ गाइस इफ यू आर थिंकिंग टू बाय दिस आईफोन 13, तो डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो इट्स नॉट आउटडेटेड. आप इसको अभी भी परचेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप इसको आईफोन 14 से सिमिलरली मिला के देखेंगे तो इट्स क्वाइट सिमिलर. सारी चीज़ें हैं, नॉच है, कैमराज है, ग्लास टच फिनिश है एंड दिस विजिबल दिस इज साथ ही एल्यूमिनियम फ्रेम भी है, तो इट्स क्वाइट सिमिलर. आपको यही सेम जो डिज़ाइन है वो 14 में भी दिखेगा एंड 15 में भी कहीं ना कहीं इसकी हल्की सी झलक आपको दिखाई देगी, राइट? सो ये अगर आप डिज़ाइन वाइज लेने का सोच रहे हैं आईफोन 13 इन 2023, तो इट्स एब्सोल्युटली अ राइट टाइम टू जस्ट परचेज दिस फोन. कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइंस की वजह से आप इसको 2023 में परचेज कर सकते हैं एंड लेट मी जस्ट टेल यू, जब आप इसको हाथ में लेंगे तो इट सीम्स क्वाइट हैवी, राइट? सो फोन की स्क्रीन पर एक सिरेमिक ग्लास शील्ड यूज की गई है जो कि इनविजिबल है अंदर की तरफ से. सो आपको मैं बता दूं कि आप इसको जितना हो सके टेम्पर्ड ग्लास से कवर करके ही रखिएगा. अभी इस पर टेम्पर्ड नहीं लगवाया है मैंने जैसे कि, लेकिन मुझे लगवाना है बिकॉज ऑब्वियसली सेफ्टी का मामला है, राइट? और अगर एक बार इसका अगर ग्लास अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो गया तो डायरेक्टली आपको कम से कम नहीं तो 30,000 से 35,000 या 30,000 से 40,000 का खर्चा आराम से आ जाएगा. सो गाइज, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स डिस्प्ले. तो जब आप इसके डिस्प्ले पर जाएंगे तो यू विल जस्ट फील इट, इट्स सो स्मूथ, राइट? तो जब हम इसकी डिस्प्ले पर जाते हैं तो इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी स्मूथ टच के साथ आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो कि आप अच्छे से, मतलब इस फ़ोन में आप अच्छे से रन कर सकते हैं हैंड्स एंड इट्स सो क्विक एंड इट्स सो फास्ट. यू कैन जस्ट डू लाइक दिस. आप इसको कितनी भी देर तक करिए, आपका एक भी मूव अगर इधर से उधर चला जाए तो बात रही, आपकी फिंगर ज़रूर टच होती है और आपका रिस्पॉन्स भी एकदम क्विक आता है, राइट? नाउ एग्जाम्पल, अभी अगर इसमें मैं कोई वीडियो अगर अभी प्ले करती हूँ तो इट विल जस्ट शो एन अ वेरी पॉप कलर्स जो कि आपको बहुत ही अच्छा फील देगा, राइट? तो जब मैं आपको कोई भी एक वीडियो दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो रियल में और भी ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है. अभी कैमरे में देख रहे हैं आप लोग, लेकिन बहुत अच्छे कलर्स हैं, राइट? एंड इसी के साथ ही आप इसको ओवर जूम भी कर सकते हैं जितना आप चाहें, तो ओरिजिनली इतना जूम हो जाता है, राइट? ओके, विल टॉक अबाउट इट. बाकी अगर आप बात करें इसके कैमरे के बारे में, इसके कैमरे के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसमें 4K वीडियोस आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं और HD एंड 4K वीडियोस को आप आराम से अपलोड भी कर सकते हैं. Now I'm going to show you guys its real camera. तो आप इसका real camera ज़रूर check कीजिए और ज़रूर देखिए. तो आप देख ही सकते हैं कि अभी मैं इस वक्त बाहर खड़ी हूँ एंड आई एम जस्ट स्लिपिंग कुछ शॉर्ट्स क्लिप्स को मैं बना रही थी. तो आप इसका कैमरा देख सकते हैं कि कलर्स कितने वाइब्रेंट आ रहे हैं. मुझे भी ये चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी लगी कि आपकी जो आपकी स्किन है, टोन है, सारे कलर्स एकदम पॉप्ड अप आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फील देता है. सो गाइस जस्ट ट्राई दिस. बाकी अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप इस फोन में आराम से सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं HD. अगर आप 4K वीडियोस को सिनेमैटिक शॉट्स में
आपके पास लेकर आऊंगी कि इसका प्राइस क्या है, साथ ही इसका बैटरी बैकअप कैसा है, साथ ही इसमें और क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आप इसे और क्या क्या फॉलो ऑन कर सकते हैं, राइट। सो जस्ट कीप अप विद दिस चैनल एंड मैं आपको इंश्योर करती हूँ आपके पास क्वालिटी वीडियोज आएंगी। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय।